हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए, देखिए, ये 3 नंबर लड्डू गोपाल की वूलन ड्रेस बना के ले आई हूँ। 2 कलर से बनी हुई ये डिज़ाइन है और ये ड्रेस आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 15 चेन हमने बना ली है। इसके बाद यहाँ से ऐसे फिंगर लगा के 3 चेन हमें और बना लेनी है, 2 और ये 3। फिर उसके बाद यहीं से जहाँ हमने ये पकड़ा हुआ था, इस चेन में डाल के तीसरे चेन में, देखिए 1 2 3, तीसरे चेन में डाल के हमें ये डबल क्रोशिया बना लेनी है। यहीं से 1 1 ये 2, फिर देखिए इसमें हमने बना लिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 1 2, फिर इसके बाद नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से सभी चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए ये हमारी 16 चेन बनके रेडी हो गई है, 15 के ऊपर 15, और यहाँ पे एक हमने 3 की चेन बनाई थी, जो वो अब इसको यहाँ से ऐसे टर्न करके हर एक चेन में पहले यहाँ पे 3 की चेन बना लेंगे। देखिए 3 की चेन बनाने के बाद ऐसे टर्न करके, अब पहली चेन में ये हमारी ये चेन 3 की बन गई है, ये डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। अब यहाँ नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 बार। देखिए 1 और सेम चेन में 1 और बार, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से 1 1 और बार बना लेंगे इसी में। देखिए सेम चेन में 2 बार, फिर इसमें भी इसी तरह से 1 बार, फिर सेम चेन में 1 और बार। तो इस तरह से देखिए पहले में ये हमारी चेन बनी हुई है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट में सेम चेन में हमने 2 2 बार बना रखा है, फिर इसमें नेक्स्ट में 1 ही चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट में 1 चेन में 2 बार, और ये सबसे लास्ट वाला जो यहाँ हमारा बनेगा, यहाँ पर सबसे लास्ट वाले में 1 बार में 1 डबल क्रोशिया के साथ 1 डबल क्रोशिया ही बनेगी, यानी कि पहले और लास्ट वाले में 1 1 बनेगा, बाकी सब में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनेगी। तो चलिए ये रो कम्प्लीट करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे देखिए 1 हमने बनाया है और यहाँ पे लास्ट वाले में भी हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई है। तो यहाँ से फिर से हम 3 की चेन लेके इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए, अब पहले में हमने ये 1 चेन बना ली है, तो अब सेकंड में दूसरा बनाएंगे, 1, फिर एक नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ हमारी 1, तो ये चेन को भी हम काउंट कर लेते हैं डबल क्रोशिया में, तो 1 2 3, ये चौथी जो हमारी चेन है जिसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी सेम प्लेस पे 1 और बार हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए यहाँ इंक्रीज हो गया, फिर से मैं बनाती हूँ, 1 2 और ये 3, 3 डबल क्रोशिया बना लिया है हमने हर एक चेन में। फिर उसके बाद ये चौथी में हमें इंक्रीज़ करना है, देखिए 1, फिर यहीं देखिए सेम प्लेस पे हमें 1 और बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हर चौथे चेन में हमें इंक्रीज़ करना है। देखिए यहाँ हमने कर लिया है, फिर 1 2 3 के बाद चौथे में फिर से हमने 2 बार बना लिया है। तो इसी तरह से ये रो कम्प्लीट करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों। यहाँ पर फिर 3 की चेन बना लेते हैं हम, बना के इसको हम टर्न कर लेते हैं इसी तरह से। फिर देखिए 1 ये हमारा बन गया है चेन, अब यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इस तरह से ये आर्म होल बन रही है हमारी। तो इसके लिए हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए 5 हमने बना लिया है, 5 इस तरह से, 1 ये हमारी चेन हो गई है, 1 2 3 4, ये मिला के 5 हो गया। तो अब यहाँ से 5 हमने बना लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 चेन जो है ये हमें स्किप करनी है,
मैं करके दिखाती हूँ, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब ये जो आठवीं चेन है यहाँ इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए एक, अब यहाँ पे हमने पांच बार ये बनाया है डबल क्रोशिया, तो देखिए इस तरह से जब पांच बार बनाया है तो ये फ्रंट हमारा आ जाता है, ये बैक साइड आ जाता है। तो फ्रंट पे यहाँ पे जितना हम यहाँ पे बनाते हैं डबल क्रोशिया, इसका जस्ट डबल बीच में हमें, यहाँ हमने पांच बनाया है तो यहाँ पे हमें 10 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए हर एक चेन में हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं। चलिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। देखिए ये 10 बार हमारी डबल क्रोशिया बन गई है। इसके बाद देखिए 7 हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, स्किप किया है, इसी तरह से 7 चेन हम यहाँ पे भी स्किप कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः 7, ये 7 स्किप करने के बाद ये आठवीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए एक दो तीन और ये चार, फिर ये सबसे लास्ट में 5। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ इधर आप लोगों को, जैसे 5 इधर हमने बनाया है स्टार्टिंग में, देखिए 5 यहाँ बनाएंगे तो 5 यहाँ पे 7 स्किप कर दिया है और फिर यहाँ पे 10 बनाया है तो फिर 5 यहाँ पे हमने बना लिया है। तो इस तरह से देखिए जब ये चोली हम बनाते हैं इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो 5 और 5 मिलके ये 10 हो गए और 10 इधर हो गए, तो ये टोटल हमारा 20 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाता है। देखिए अगर बड़े कान्हा जी की बनाते हैं हम 4 नंबर 5 नंबर, तो यहाँ पे हम एक बार और बना लेते हैं और इसकी हाइट ज़्यादा, डबल क्रोशिया बना लेते हैं और इसकी हाइट ज़्यादा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे दूसरी जो ये राउंड बनाऊँगी, जैसे ये 20 डबल क्रोशिया है तो 20 डबल क्रोशिया के ऊपर 20 डबल क्रोशिया एक बार और बनाएंगे, लेकिन उसको हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे कि हाइट ज़्यादा ना हो। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ, एक दो। अब जैसे ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना है तो ये चेन हमारी, वो हाफ डबल क्रोशिया छोटी होती है थोड़ी सी, तो ये चेन भी हम दो लेंगे। तो देखिए पहले में हमने बना लिया है तो अब यहाँ नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया मैं बताती हूँ कैसे बनती है। ये तीनों जो चेन है फंदे, इसको एक बार में हम एक साथ निकाल लेते हैं। देखिए एक, अब ये देखिए इस तरह से ये दो हो गई, ये तीन और ये चार। ये देखिए यहाँ पे एक तो ये चेन हमारी हो गई है और 4 ये हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 5 के ऊपर 5 हमारी बन के कम्प्लीट हो गई। इसी तरह से ये 20 के ऊपर 20 हाफ डबल क्रोशिया बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने 20 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये हाफ डबल क्रोशिया जो बनती है इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। तो इसमें देखिए 20 के ऊपर 20 ये बन के तैयार हो गई चेन। चलिए मैं काउंट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये जो हमारी चेन है इसको लेके 20 20 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसको मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, इसके बाद अब कोई चेन नहीं बनेगी कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे देखिए यहाँ पे इस साइड आके ये जो हमारी थर्ड चेन है, पहली जो ये हमने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसके सबसे ऊपर का ऐसे फंदा लेके इसमें इस तरह से देखिए डायरेक्ट इसमें हम स्टिच कर देते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए कोई भी जब हम घेरा बनाते हैं स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में देखिए ये जो आर्म होल हमारी बनती है यहाँ पे आने के बाद ही शुरू होता है। तो यहाँ आने के लिए इसी तरह से देखिए स्लिप चेन से हम इस तरह से ऐसे निकाल लेते हैं, फिर इसमें डाल के चेन में से फिर देखिए दोबारा से ऐसे फंदा लेंगे और इसको डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे ऐसे ढीला ताकि इससे खिंचाव ना हो।
देखिए इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे करते हुए हम यहाँ बीच में आ जाएंगे। देखिए अब देखिए यहाँ हम आ गए हैं। यहाँ से अब घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए घेरा बनाना मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पहले हम चेन बना लेंगे तीन की। अब एक ये हमारी चेन हो गई। अब इसके बाद हर एक चेन में हमें दो दो बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो जैसे एक ये हमारी चेन हो गई और यहीं पे एक और बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसमें दो डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर सेम प्लेस पे एक और बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए एक बार डबल क्रोशिया और एक और बार डबल क्रोशिया। मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होगी हमारी। देखिए अब यहाँ देखिए, पहले में ये चेन के साथ एक डबल क्रोशिया, फिर पहले में देखिए दो हमने बना लिया है, एक और एक, और सेम प्लेस पे दो बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए सेम प्लेस पे दो। इसी तरह से हर एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट करके यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं आगे बताती हूँ। यहाँ देखिए ये जो स्टार्टिंग की हमारी ये चेन थी, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली चेन में ऐसे हमें इसको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए अब ये मैं आपको सिंपल घेरा ये बता रही हूँ। तो इसमें देखिए पहले चेन बना लेंगे तीन की चेन बना के। अब जो ये दो चेन थी हमारी, जितनी भी दो चेन हैं उसको हमें तीन करना है। जो जैसे पहले पहले में हमने एक बार बना लेना है, फिर ये जो दूसरी चेन है यहाँ दूसरी चेन के ऊपर हमें दो बार बना लेना है। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे देखिए ये चेन हमारी एक बन गई, तो ये एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हो गया मान के चलो आप। फिर उसके बाद ये जो सेकंड है, तो सेकंड पे हमें यहाँ पे दो बार बनाना है सेम प्लेस पे। देखिए एक बार, फिर ये एक और बार, जहाँ हमने बनाया था वहीं पे एक और बार डबल क्रोशिया। तो देखिए ये दो की जगह तीन हो गया। अब यहीं यहाँ पे भी इसी तरह से, जैसे ये दो डबल क्रोशिया है तो इसको हम तीन बना लेंगे। जैसे देखिए पहले वाले में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये जो सेकंड चेन है यहाँ पे हम एक ही प्लेस पे दो बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। देखिए एक और ये दो, तो देखिए ये इंक्रीज़ हो गया। अब दो की बजाय ये तीन हो गए हैं। इसी तरह से देखिए अब ये जैसे नेक्स्ट वाला है, तो इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये सेकंड जो देखिए ये इंक्रीज़ करा था हमने, ये जो सेकंड चेन है यहाँ पे हम सेम प्लेस पे एक बार हमने बनाया और इसी में एक और बार बना लिया हमने डबल क्रोशिया। इसी तरह से जितनी भी ये दो दो चेन बनी हुई हैं, दो दो डबल क्रोशिया बनी हुई हैं, तो सभी को हम दो की जगह तीन कर लेंगे। पहला तो हम सेम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, और ये जो सेकंड वाला है इनके ऊपर हम दो बार बना लेंगे, एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम चेन में डालते हुए। तो चलिए इसी तरह से ये रो कम्प्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये रो भी हमारी कम्प्लीट हो गई है। हम यहाँ पर इसको में हम ये जो चेन है हमारी, इसके सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेन बना लेंगे तीन की। चेन बनाने के बाद देखिए अब यहाँ पे एक चेन ये हमारी हो गई और यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करा हुआ है। तो अब इसके पहले वाले राउंड में हमने दो से तीन किया था, इस बार हमें तीन से चार करना है। तो अब ये देखिए एक तो ये हमारी चेन हो गई और यहाँ पे अब हम सॉरी यहाँ नेक्स्ट में एक बार और हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गई। और इसके बाद अब ये जो दो हमने बनाया था एक के ऊपर दो, इसी दो के ऊपर हम दोबारा से दो बना लेंगे डबल क्रोशिया। देखिए एक और एक ये दो, तो देखिए सेम प्लेस पर हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई और एक ये चेन, तो ये चार हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट में दिखाती हूँ मैं। अब ये देखिए एक सिंगल जो डबल क्रोशिया है वो है और ये जो इंक्रीज़ हुई है एक में दो बार। देखिए तो इस तरह से अब यहाँ पे हम एक बार बना लेंगे डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में एक और बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो हमारा इंक्रीज़ हुआ था यहाँ पर हम इसी के ऊपर दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इसी तरह से नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में हम दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे जहाँ पे हमारा पहले इंक्रीज़ हुआ था। नीचे देखिए, इसके पहले वाली रो में हमने इंक्रीज़ करा था और इसी के जस्ट ऊपर एक और बार हम इंक्रीज़ कर लेंगे। इसी तरह से अब ये तीन, इसके पहले जो तीन बना था उसके ऊपर हम चार बना लेंगे। इसी तरह से आगे हम कंप्लीट करेंगे रो को कि एक डबल क्रोशिया, फिर दो, फिर ये दो के ऊपर चार, दो बना लेंगे तो ये मिला के चार हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हर तीसरे चैन में आपको इंक्रीज़ करना है। देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को, एक ये चेन हमारी हो गई, ये दो से ये डबल क्रोशिया हो गई। अब ये तीसरी चेन है जो यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है एक ही चेन में दो बार। अब यहाँ पे भी एक दो, ये तीसरी चेन है, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है दो बार हो गया। इसी तरह से हर तीसरी चेन में हमें इंक्रीज़ करना है। रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे जो सबसे ऊपर, देखिए एक एक दो तीन, ये सबसे ऊपर वाली जो चेन हमारी होती है इसमें डाल के इस तरह से हम स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब कर लिया है इस चेन में। अब इसके पहले देखिए हमने चार चेन बनाई थी, चार डबल क्रोशिया, तो इस राउंड में हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है और पांचवी चेन में हमें, चौथी चेन में सॉरी, इंक्रीज़ करना है। तो देखिए ये हमने ज्वाइन करने के बाद ये तीन चेन बना लेते हैं, दो तीन चेन बना लिया हमने। इसके बाद फर्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ ये देखिए, फिर यहाँ पे देखिए यहीं हमने इंक्रीज़ किया हुआ है पहले भी, तो इस बार भी हमें यहीं पे इंक्रीज़ करना है। एक बार डबल क्रोशिया और सेम प्लेस पे देखिए हमें दूसरी बार डबल क्रोशिया। तो चलिए मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए एक ये हमारी चेन हो गई है, उसके बाद एक दो तीन चार, तो टोटल ये पांच डबल क्रोशिया हमारी बन के तैयार हो गई हैं और ये चौथी चेन में हमने इंक्रीज़ करा है। फिर से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए ये जो चौथी चेन है, चौथी में हमें इंक्रीज़ करना है। इसके पहले जहाँ हमने इंक्रीज़ किया था देखिए इसके नीचे, वहीं पर हमें इंक्रीज़ करना है एक बार और सेम प्लेस पे एक और बार। देखिए इस तरह से। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को दोस्तों, देखिए अब ये चेन हमने बनाई है, ये घेरा हमने बनाया है, तो देखिए कहीं कहीं पे ये ड्रेस ऐसे उठ जाती है। देखिए इस तरह से उसको सेट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ये प्लेन जो घेरा मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को, तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जहाँ पे इंक्रीज़ किया है वहाँ पे आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि देखिए इस तरह से झोल आ रहा है, तो आप कहीं कहीं पे जहाँ पे आपने इंक्रीज़ किया है उसको आप स्किप कर सकते हैं, प्लेन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बना सकते हैं। तो जैसे इसमें देखिए हमारा कहीं कहीं पे ऐसे झोल आ रहा है हल्का सा, तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ हमने, यहाँ झोल आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो एक चेन में यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है तो इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ दो, मतलब दो बार नहीं बनाएंगे, एक ही बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए अब यहाँ जैसे एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया, दो डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में तीन डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में देखिए अब यहाँ हमारा इंक्रीज़ होना था लेकिन यहाँ पे हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, तो जैसे पूरे राउंड में हमें पाँच छः बार सात बार हमें इस तरह से इंक्रीज़ करना है, तो उसको हम दो या तीन बार ही कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये सेट हो जाएगा। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इस पूरे राउंड में मैंने, यहाँ मैंने देखिए इसको कनेक्ट कर लिया है और पूरे राउंड में इस बार जो मैंने राउंड बनाया है मैंने दो से तीन जगह सिर्फ इंक्रीज़ किया है, पूरा बाकी सारा घेरा मैंने एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट किया है। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए अब बिल्कुल फ्लैट मेरा घेरा बन के तैयार हो गया है, कोई झोल नहीं है इसमें कहीं पे भी। देखिए इस तरह से रख के देख लेती हूँ, फिर आगे देखिए इसको मैं डिज़ाइन बनाना अब शुरू करूँगी। इसमें यहाँ पे एक और चेन बना के इस तरह से इसको थोड़ा सा टाइट करके ये मैं धागे को कट कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये धागा मैं इसमें जोड़ के यहाँ से
देखिए ये धागा लगा लेती हूँ। इसको खींच लेंगे। अब ये कनेक्ट हो गया धागा। इसके बाद देखिए यहीं पे एक दो तीन के हमने चेन बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर देखिए नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। फिर देखिए नेक्स्ट में ये जो पीछे देखिए धागा है इसको इसी में एडजस्ट कर लेंगे हम। देखिए तीन बार हो गई डबल क्रोशिया। उसके बाद अब ये चार हमारी डबल क्रोशिया हो गई हैं। तो देखिए चार, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, चार ये डबल क्रोशिया बन के तैयार होगी, एक ये हमारी चेन। तो ये टोटल हमारी पांच डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो चेन हम लेंगे। दो चेन के बाद एक चेन यहाँ पे स्किप करेंगे नीचे, एक डबल क्रोशिया जहाँ बना यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में हम इसको स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में इस तरह से पांच डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए तीन हो गई, चार और एक ये पांच। देखिए इसी तरह से पांच डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लेंगे, फिर एक स्किप करके फिर से यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा लूप बच गया हमारे पास, दो हमने चेन ले ली है। तो इन दोनों को एक के बजाय हम दो स्किप करके और यहाँ पे इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये जो लास्ट चेन है हमारी, इसमें सबसे ऊपर वाली चेन में हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से स्लिप चेन से। इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया है इस चेन में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस धागे को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं पिंक वाले को। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे चेन बना लेंगे, तीन की चेन बना के। अब हर एक लूप में देखिए हमें सात बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए एक ही हमारी चेन हो गई। अब इसके बाद एक डबल क्रोशिया इसको इस तरह से पीछे कर लेते हैं। दो तीन चार पांच छः और ये सात। तो देखिए ये सात डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो चेन बना लेंगे हम फिर से यहाँ पे आके ये जो लूप है हमारा यहाँ पे फिर से हम सात बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच छः और ये सात। तो देखिए इस तरह से हर एक लूप में हमें ये सात डबल क्रोशिया और दो चेन के साथ इस तरह से हमें कंप्लीट करना है इस तरह से। चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ। नीचे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमने एक के बजाय दो चेन हमने स्किप की थी। तो जब ये ऊपर हम चेन बनाएंगे तो ये दो की जगह हम तीन बना लेंगे जिससे कि खिंचाव ना आए। फिर उसके बाद यहाँ पे आके
ये लास्ट का मैं कंप्लीट करती हूँ, 7 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7, ये 7 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फिर से 2 की चेन ले लेते हैं, और ये जो हमारी चेन थी स्टार्टिंग वाली, इसके सबसे ऊपर जो हमने चेन यहाँ पे हमारी है, इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप चेन से इसको हम देखिए इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रो भी कंप्लीट हो गया है। इसके आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब इसमें ये जो 7 हमने चेन बनाई हुई है, 7 डबल क्रोशिया, इस 7 के ऊपर अब हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ 1 2 3 और फिर ये चौथी चेन में हमें एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे 2 इंक्रीज़ कर लेंगे तो ये हमारी टोटल 6 हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 2 3 तो ये मिला के हमारी 9 हो जाएगी। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे धागे को चेन बना के इस तरह से। फिर हमें 3 चेन बना लेनी है। फिर देखिए एक ही हमारी डबल क्रोशिया हो जाएगी। उसके बाद सेकंड में देखिए सॉरी देखिए इसके ऊपर यहाँ ये हमने बना लिया है तो सेकंड में यहाँ बना लेंगे हम। फिर थर्ड में बना लेंगे। फिर ये देखिए फोर्थ चेन में हमें इंक्रीज करना है। एक चेन में 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए 1 2 और ये 3 तो 3 बार ही हमने डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये लास्ट में हमारे देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ये चेन हमारी है, फिर 1 2 ये 3 हमारी डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक बीच वाली चेन में फोर्थ चेन में हमने सेम प्लेस पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है। और उसके बाद फिर ये 3 हमने डबल क्रोशिया इस तरह से ये 2 इंक्रीज होते हुए यहाँ पे ये हमारी 9 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गई है। इसके बाद देखिए यहीं से हम ये जो हमारी इस धागे को देखिए इस तरह से इसको हम पीछे कर लेते हैं। और ये जो हमारा इसके पहले 1 2 3 4 5 ये 5 हमारे डबल क्रोशिया हमने बना रखा है यहाँ पे, इसको देखिए इस तरह से करते हुए हर एक 5 ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 बार इस तरह से देखिए 1 बार हमने निकाल लिया। देखिए इसे पूरा नहीं बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है पर हाफ बनाना है। 2 चेन ऐसे रह जाए फिर नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। 1 और ये देखिए फिर दूसरे के ऊपर हमने बना लिया। ये देखिए हमने 1 बार बना लिया है। फिर इस तरह से दूसरी चेन के ऊपर देखिए इस तरह से बना लेंगे। फिर इसके बाद इस तरह बना लेंगे। फिर ये लास्ट में देखिए ये देखिए 5 के ऊपर अब 5 हमने बना लिया है। इसके बाद देखिए ये सभी को एक साथ इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब फिर वही 6 7 के ऊपर 9 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 बार, फिर 2 फिर 3 और ये चौथी चेन में हमें इंक्रीज करना है। सेम प्लेस पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 हमने बना लिया, 2 और यहाँ पे 3 और इसके बाद ये नेक्स्ट में 1 फिर 2 फिर 3 और इसके बाद देखिए यहाँ पे वही सेम जैसे हमने बनाया था उधर, ये जो पहले के ऊपर देखिए यहाँ पे
हमने डबल क्रोशिया बना रखे, इसको इस तरह से पीछे कर लेते हैं। पीछे करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बार बना लेंगे हम इस तरह से, देखिए एक, फिर यहाँ दूसरे में देखिए पूरा नहीं निकालेंगे, एक बार निकाल के एक फंदा इस तरह से हम छोड़ देंगे, दो तीन, और ये देखिए चार, और ये पांच लास्ट वाला। देखिए तो अब ये नीचे हमारा पांच के ऊपर पांच हमारा ये बनके हमने कंप्लीट कर लिया है बना के हमने। देखिए इसके बाद इन पांचों को एक साथ हमें इस तरह से इसमें कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ देखिए फिर एक चेन बना लेंगे हम। इसके बाद फिर से वही देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से ये देखिए ज्वाइन होके इस तरह से ये दिखेगा। तो फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। देखिए देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, लास्ट का ये स्टेप हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार इस तरह से एक, फिर देखिए यहाँ पे दो, इसके नीचे देखिए फिर डाल के तीन, फिर यहाँ पे चार, और ये पांच बार हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेते हैं, इसको ज्वाइन करके एक चेन बना लेते हैं। अब इसको देखिए लास्ट में ये जो जो हमारी चेन बनी हुई है तीन की, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इस तरह से स्लिप चेन से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, फिर एक चेन लेके इसको हम धागे को कट कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरी ड्रेस देखिए तैयार हो गई है। चलिए अब इसमें बॉर्डर बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ जो सबसे नीचे वाला यहाँ हमारा हमने यहाँ बना रखा है डबल क्रोशिया, वहाँ पे जाके इस तरह से धागे को ज्वाइन कर लेते हैं एक बार, एक और बार यहाँ से निकाल के हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फिर इसी सेम चेन में एक और बार हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से तो एक चेन में हमारी दो बार सिंगल क्रोशिया ये काउंट हो जाएगी इस तरह से। देखिए अब नेक्स्ट में जाएंगे, ये पीछे का धागा देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें एडजस्ट कर लेना है, और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया देखिए इस तरह से डाल के एक बार दोनों चैन को एक बार इस तरह से निकाल लेते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए इस तरह से एक बार, फिर इस तरह से एक और बार, ये देखिए दो बार हमारी सिंगल क्रोशिया बन गई है। फिर यहाँ देखिए ये जो सबसे लास्ट वाला हमारा होता है यहाँ पे, क्योंकि इधर नेक की तरफ हमें टर्न करना रहता है, तो यहाँ तीन बार सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए जैसे एक बार, दो बार, और ये तीन बार, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। देखिए फिर उसके बाद यहाँ नेक में देखिए यहाँ पे जब हम इधर पीछे बॉर्डर बनाते हैं तो ये जो स्टेप होते हैं ये दूर दूर होते हैं, तो यहाँ दो दो बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना होता है। और यहाँ पे ये देखिए पास पास ये सारी चेन है हमारी, तो यहाँ पे एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ, और यहाँ टर्न करना रहता है इसलिए यहाँ पे कॉर्नर पे हमें तीन बार बना लेना रहता है। तो चलिए एक, और यहाँ नेक्स्ट में देखिए एक बार हमने बना लिया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार, इस तरह से हर एक चेन में हमें नेक में बना के कंप्लीट करना रहता है सिंगल क्रोशिया। देखिए मैं यहाँ तक कॉर्नर तक बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए अब ये लास्ट में मैं आ गई कॉर्नर पे, तो यहाँ पे हमें तीन बार बना लेना है सिंगल क्रोशिया। देखिए एक, इसी में एक और बार, दो, फिर इसी में
एक और बार, ये तीन बार हमारी बन के तैयार हो गई। फिर देखिए यहाँ पे दो बार बना लेंगे नेक्स्ट में, एक दो। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे एक, जब ये सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं तो इस चैन को थोड़ा सा खींच लीजिए आप लोग, देखिए दो तीन। अब ये नेक्स्ट में देखिए एक और बना लेंगे, ये देखिए दो दो चार, और इधर देखिए नीचे दो बार और बना लेंगे, सॉरी ये देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से ये देखिए बनके कंप्लीट हुआ है। इस तरह से पीछे ये बॉर्डर बन गया है हमारा। चलिए अब यहाँ इसको कट करके मैं यहाँ बाजू पे बनाना दिखाती हूँ आप लोगों को। अब ये देखिए यहाँ आर्म होल पे, ये सबसे नीचे से यहाँ जहाँ हमने ज्वाइन करा हुआ है, यहाँ देखिए इसको धागे को यहाँ पे हम कनेक्ट करके एक चेन बना लेंगे, और फिर यहीं पे एक बार सिंगल क्रोशिया हम बना लेते हैं, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे भी देखिए जैसे हमने नेक पे बनाया है एक एक सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से यहाँ पे भी एक एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे हर एक चेन में, देखिए एक दो, इसी तरह से हर एक चेन में मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस साइड से, फिर यहाँ से ऐसे करते हुए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक इसी तरह से चेन और बना लेंगे, फिर धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये दोनों तरफ का देखिए हमने बना लिया है, एक इधर का यहाँ बैक साइड में हमने बना लिया है और नेक पे बना लिया, और यहाँ पे हमने आर्म होल पे बना लिया। अब इस साइड का मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इसको भी सेम उसी तरह से बनेगा, यहाँ सबसे लास्ट में जो हमारा ये डबल क्रोशिया है होल, इसी में डाल के इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे आर्म होल के पास, फिर एक चेन बना लेंगे, सॉरी यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हर एक चेन में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसको देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके फ्रंट तक, जहाँ पहले हमने बनाया है उसके फ्रंट तक, यहाँ तक बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए हमने इस साइड का भी बना के कंप्लीट कर लिया है आर्म होल। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। अब देखिए ये पूरी ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। ये धागे जो इधर उधर निकले हैं मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। कई बार धागे फिर ढीले रह जाते हैं, वो खुल जाते हैं, तो इस तरह से आप ड्रेस को उल्टी साइड से करके, ये जो धागे निकले हुए हैं इनको कहीं भी देखिए, किसी भी ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है या जो भी, इसमें इस तरह से हम एडजस्ट कर देते हैं, कहीं पर भी ले जाके आप इसको सेट कर दीजिए इस तरह से, ताकि ये निकले नहीं दोबारा से। देखिए इधर भी जैसे निकला हुआ है हमारा धागा, तो यहाँ पे इस तरह से डाल के इसको देखिए इस तरह से, इधर भी जो धागे हमारे हैं इनको भी मैं एडजस्ट कर देती हूँ। देखिए ये सभी धागों को हमने एडजस्ट कर दिया है इधर। अब ये देखिए हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। इधर देखिए ये निकला हुआ है, मैं इसको भी एडजस्ट कर देती हूँ। देखिए ये सारे धागे हमने एडजस्ट कर दिए हैं अब यहाँ पे, और ये पूरी ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट हो गई है इस तरह से। देखिए इस ड्रेस को हम किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, सिर्फ ये घेरा बनाना बढ़ाना रहेगा आप लोगों को, तीन नंबर चार नंबर पाँच, ये देखिए दो से तीन नंबर कान्हा जी को
आराम से सेट हो जाएगी। मुझे बड़ा घेरा थोड़ा पसंद है, इसलिए मैंने इसका घेरा थोड़ा बड़ा रखा है। और अगर आप लोगों को इसका घेरा छोटा करना हो, या जैसे बड़ी आप लोगों को ड्रेस लग रही हो, तो इस घेरे को देखिए, 1 2 3 4, जो हमने 4 घेरा बनाया है, आप एक घेरा ये कम कर सकते हैं। 3 घेरे, वैसे 3 नंबर के जो कान्हाजी होते हैं उसमें 3 घेरा ही बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें 4 घेरा बना दिया है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये ड्रेस बन के अब कंप्लीट हो गई।